some introduction for the finding the solution of the pair of two equations. This is for the IMP for the short question, IMP for the MCQ, and answer in one sentence. If it is most important introduction, so take the care. तुमका ध्यान रखना अच्छी तरह. कभी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर वन. ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू. द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू ए वन फॉर फर्स्ट इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू बी वन एंड कॉन्स्टेंट टर्म सी वन, कोएफिशिएंट ऑफ ए टू इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए टू, वाई इक्वल टू बी टू और कॉन्स्टेंट टर्म. एक्स का कोएफिशिएंट ए वन है, वाई का कोएफिशिएंट बी वन है, कॉन्स्टेंट टर्म सी वन है. फॉर सेकंड इक्वेशन एक्स का कोएफिशिएंट ए टू है, वाई का कोएफिशिएंट बी टू है और सी टू है. अभी हम क्या करके हम अभी ओनली कोएफिशिएंट लिखेंगे. वी कैन राइट ओनली कोएफिशिएंट ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू. तो हमने क्या किया कि एक्स का कोएफिशिएंट ए वन है तो हमने ए वन लिख दिया, वाई का कोएफिशिएंट बी वन है बी वन लिख दिया, कॉन्स्टेंट टर्म सी वन. सिमिलरली ए टू बी टू एंड सी टू. नाउ फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन, एक्स अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू वन अपॉन. फॉर एक्स, एक्स के लिए हमको ये फर्स्ट हमको प्रेस करना पड़ेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है. हम लिखेंगे बी वन बी टू सी वन सी टू. वाई के लिए हम सेकंड टर्म नहीं लिखेंगे, वी कैन नॉट राइट फॉर द सेकंड वाई सेकंड टर्म सी वन सी टू ए वन ए टू. कॉन्स्टेंट टर्म के लिए हम लिखेंगे तो ये लास्ट टर्म को हम प्रेस कर लेंगे, हम ए वन ए टू बी वन बी टू. दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज द सेकेंडरी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल. ये मेन डायगोनल है, इसका मल्टीप्लाई करने का है माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लाई करके माइनस करने का है. देयरफॉर एक्स अपॉन बी वन सी टू, बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू, सी वन बी टू इक्वल टू वाई अपॉन सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू. एक्स अपॉन हमने लिख दिया, प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस सेकेंडरी का मल्टीप्लाई कर दिया, प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंडरी का, बीच में माइनस रखना कंपलसरी है. ये फर्स्ट टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म, तीनों तीन टर्म इक्वल है. तो एक्स अपॉन बी वन सी टू सी वन बी टू इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, वाई अपॉन सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स इक्वल टू बी वन सी टू सी वन बी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू. नाउ वाई इक्वल टू, हम यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू. तो एक्स इक्वल टू बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू. वाई इक्वल टू सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू. अगर डिनोमेटर का जीरो होगा तो हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. इफ़ वी कैन ऑब्टेन द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन मिलने के लिए
डिनोमिनेटर कंपलसरी जीरो नहीं होना चाहिए, तो कंडीशन फॉर सॉल्यूशन नंबर वन, इफ ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू नॉट इक्वल टू जीरो, ए वन बी टू नॉट इक्वल टू बी वन ए टू, और ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, खाली एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, बराबर। इसका मीनिंग दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगी, जो पॉइंट पी मिलेगा वो एक्स और वाई वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। कंडीशन नंबर सेकंड, इफ ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ऑल रेशियो आर इक्वल, तीनों तीन का रेशियो इक्वल है, तो इक्वेशन इज सेम लाइन, सेम इक्वेशन, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल लाइन। मेनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ट्विस्ट करने के लिए इतने वर्ड्स कर दिए जाते हैं कि आइडेंटिकल लाइन्स है, मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंस है, यूनिक के अंदर भी वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंस भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, बराबर ना। मेरे तीनों तीन कंडीशन है। नंबर थर्ड कंडीशन है, इफ ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म रेशियो इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एम्प्टी सेट होगा सॉल्यूशन, नल सेट होगा, मीन्स लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, इसके अंदर आइडेंटिकल लाइन्स हैं, ये सेम लाइन है, इसको बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन, बराबर। तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सब एग्जांपल, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर, थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, इलेवन एक्स प्लस इलेवन वाई इक्वल टू ट्वेंटी टू, टू कॉमन निकालेंगे तो टू इक्वेशन मिलेगा, थ्री कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा, इलेवन कॉमन निकाले फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा, मीन्स ऑल आर द सेम इक्वेशन है, इसलिए सॉल्यूशन नहीं मिले, खाली कॉन्स्टेंट टर्म डिफरेंट है, ए फोर लिख दो, ए सिक्स लिख दो, ए एट लिख दो, ए थर्टी टू लिख दो, तो क्या होगा, ओनली कॉन्स्टेंट टर्म बदल जाएगी, तो हमको मिलेगा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मिलेगा, बराबर। यहाँ होगा कभी x प्लस वाई इक्वल टू थ्री, थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू नाइन, फोर एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व, ये आइडेंटिकल लाइन के लिए सेम लाइन होगी, थ्री कॉमन निकालो तो सेम लाइन हो जाएगी, फोर कॉमन निकालो तो सेम लाइन हो जाएगी, या फॉर आइडेंटिकल लाइन इक्वेशन सेम होगा, फॉर नॉट आइडेंटिकल लाइन कॉन्स्टेंट ओनली डिफरेंट होगा, यहाँ कॉन्स्टेंट फोर है, सिक्स है, एट है, थर्टी टू है, मैंने पहले टू लिखा था, फोर लिखा था, सिक्स लिखा था, ट्वेंटी टू लिखा था, ये खाली ओनली आइडेंटिकल लाइन के लिए था, बट अगर कॉन्स्टेंट अगर इक्वल नहीं है तो ये होगा, मतलब इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, एम्प्टी सेट, नल सेल, सॉल्यूशन।
डज नॉट एग्जिस्ट। मैं समझता हूँ इतना तो मैं लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एक कंडीशन कंपलसरी है, एक कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, ये तीनों तीन कंडीशन फॉर एमसीक्यू, फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यू मस्ट लर्न कंपलसरी। थैंक यू वेरी मच।